बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कुर्बानी के जानवर में शिरकत का मसला सुन लें कि कुर्बानी के जानवरों में कितने लोग शरीक हो सकते हैं एक जानवर में। इसमें पहली बात यह कि कुर्बानी के बड़े जानवर यानी ऊंट, ऊंटनी, गाय, बैल, भैंस, भैंसा, इनमें से एक से लेकर 7 तक अफराद शरीक हो सकते हैं। यानी एक आदमी की तरफ से भी हो सकता है, 5 आदमी की तरफ से हो सकता है और 7 आदमी ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हो सकते हैं, चाहे जुफ्त अफराद हों या ताक, लेकिन 7 से ज़्यादा अफराद की शिरकत जायज़ नहीं है। नंबर 2, कुर्बानी के छोटे जानवर यानी बकरा हो गया, बकरी है, दुम्बा है, भेड़ है, मेंढा, तो इनमें से हर एक में सिर्फ एक आदमी ही की कुर्बानी जायज़ है, इसमें एक से ज़्यादा अफराद की शिरकत जायज़ नहीं है। एक मसला यह भी याद रखना चाहिए कि बाज़ लोग घर ये समझते हैं कि घर में से बड़ा और गार्जियन के तरफ से कुर्बानी हो गई तो सबकी तरफ से वो सोचते हैं काफ़ी हो गई घर में जितने लोग भी रहते हैं। हालांकि ये सही नहीं है, बल्कि घर में जितने भी अफराद हैं सबका अलग अलग निसाब का हिसाब किया जाएगा, सबका अलग अलग हिसाब होगा। अगर 2 आदमी के ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो 2 आदमी की तरफ से होगा, 3 आदमी पर वाजिब है तो 3 आदमी की तरफ से होगा। अगर जैसे बाप है, बेटा है, बेटा भी साहिब निसाब है और बाप भी साहिब निसाब है, तो बेटे की तरफ से अलग जानवर की कुर्बानी होगी और बाप की तरफ से अलग जानवर की कुर्बानी ज़रूरी है। इसी तरह मियाँ बीवी हैं तो मियाँ अगर शौहर की तरफ से पर कुर्बानी, अगर शौहर पर कुर्बानी वाजिब है, शर्त पाई जा रही है, और बीवी पर भी वाजिब है, तो दोनों को कुर्बानी अपने अपने हिस्से की अलग करनी होगी। ऐसा नहीं कि घर के एक आदमी की तरफ से हो जाए तो सबकी तरफ से काफ़ी हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसे हर आदमी की ज़कात अलग होती है, हर आदमी को हज अपना करना होता है, नमाज जिस तरीके से बाप पढ़ ले तो बेटे की तरफ से नहीं अदा होती, बेटा पढ़ ले तो बाप की तरफ से काफ़ी नहीं होता, इसी तरीके से कुर्बानी जिन जिन अफराद पर वाजिब है उन्हीं की तरफ से, उनकी तरफ से कुर्बानी करना वाजिब है। एक आदमी की कुर्बानी 2 आदमी की तरफ से नहीं काफ़ी होगी। इस मसले को अच्छी तरह समझ लें। घर में आमतौर पर ये होता है कि भाई बेटे के ऊपर बेटा कमा रहा है, बेटे साहिब निसाब है, कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब है, लेकिन लोग जो अपनी तरफ से नहीं करवाते हैं बल्कि अपने, कोई अपने माँ की तरफ से करा दे रहा है, कोई अपने बाप की तरफ से करा दे रहा है, चाहे उन पर वाजिब हो या वाजिब ना हो, कोई जो है उनके माँ बाप इंतकाल कर गए उनकी तरफ से करा दे रहा है, तो ठीक है आप करा सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर अगर वाजिब है तो उनको अपनी तरफ से भी कुर्बानी कराना वाजिब है, ज़रूरी है। अगर आपके पास इतनी इस्तेआत नहीं है तो फिर आप उनकी तरफ से कुर्बानी ना कराएं जिन पर वाजिब नहीं है, बल्कि अपनी तरफ से आपकी कुर्बानी ज़रूरी है कि आप अपनी तरफ से कुर्बानी कराएं। आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो माँ बाप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है तो उनकी तरफ से ना कराएं, अगर कराना चाहते हैं तो उनकी तरफ से कुर्बानी किया हुआ नफली कुर्बानी होगा, लेकिन जो ज़िंदा हैं और जो साहिब निसाब हैं उनकी तरफ से कुर्बानी करना ज़रूरी है। एक मसला यह कि बाज़ हज़रात ये समझते हैं कि कुर्बानी के जानवर में सिर्फ ताक यानी 1, 3, 5 या 7 अफराद ही शरीक हो सकते हैं, जुफ्त अफराद यानी 2, 4, 6 ये ऐसा नहीं हो सकता लोग समझते हैं। हालांकि ये गलतफहमी है और वाज़ गलती है, क्योंकि जो मसला बयान किया गया उससे मालूम हो गया है कि कुर्बानी के जानवर में जुफ्त यानी 2, 4 या 6 अफराद भी शरीक हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि भाई 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो। अच्छा, अब मसला ये रह गया कि क्या बड़े जानवर जिनमें 7 आदमी शरीक हो सकते हैं तो क्या 7 हिस्से बनाना ज़रूरी है। बाद लोग चूँकि इस गलतफहमी में मुबतला है कि कुर्बानी के बड़े जानवर में अगर 7 से कम अफराद शरीक हों तब भी 7 हिस्से ही बनाने ज़रूरी हैं। वाज़ह है कि यह गलत फहमी है, सही मसला ये है कि जितने अफराद शरीक हों उनके मुताबिक हिस्से बनाना बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे 2 अफराद शरीक हों तो 2 हिस्से बना दिए जाएं, 5 शरीक हों तो 5 हिस्से बना दिए जाएं। अलबत्ता अगर 7 से कम शुरका जानवर के हिस्से ही बनाना चाहें
अगर सात से कम शुरका जानवर के साथ हिस्से ही बनाना चाहें तब भी जाए, यानी पांच ही एक जानवर में जो है पांच ही लोग शरीक हैं, तो अगर वो जो है पांच ही हिस्सा बनाना चाह रहे हैं तो भी जायज़ है, जिसकी तफसील अभी आ जाएगी। लेकिन लगा इससे भी पता चल गया कि ज़रूरी नहीं कि बड़ा जानवर हो, भैंसा हो, भैंस हो तो उसमें सात आदमी होने ज़रूरी नहीं। एक भैंसा एक आदमी की तरफ से भी हो सकता है, दो आदमी की तरफ से भी हो सकता है, तीन आदमी की तरफ से भी हो सकता है। अब जितना पैसा उस बड़े जानवर का हो रहा है उसको जितने आदमी शरीक हैं उसमें बराबर से डिवाइड कर लिया जाएगा। मिसाल के तौर पर एक बकरा जो है, एक भैंस जो है 10,000 का है मान लें, तो अगर इसमें पाँच ही आदमी शरीक हुए हैं तो अब सबका जो 2,000 पड़ेगा। अब मसला रह गया कि कुर्बानी के बड़े जानवर में शुरका के हिस्सों से मुतालिक एक मसला और भी रह गया है कि कुर्बानी के बड़े जानवर में जितने भी अफराद शरीक हों उसमें इस बात का लिहाज रखा जाए कि किसी भी शरीक का हिस्सा सातवें हिस्से से कम न हो। जैसे किसी बड़े जानवर में सात अफराद इस तरह शरीक हों कि पाँच अफराद का एक एक हिस्सा हो और एक का डेढ़ हिस्सा हो और एक का आधा हिस्सा हो, तो इस सूरत में चूंकि एक का हिस्सा आधा है जो कि सातवें हिस्से से कम हो इसलिए किसी की भी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिसका हिस्सा कम है उसकी कुर्बानी सही नहीं होगी, नहीं, बल्कि सातों आदमी में से किसी की भी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। सादा अल्फाज में यूँ कहिए कि बड़े जानवर को सात बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो उनमें से एक हिस्से को सातवां हिस्सा कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर जो भी बात बयान की गई है कि कुर्बानी के बड़े जानवर में सात से ज़्यादा अफराद की शिरकत जायज़ नहीं है, ये तो मस्तवाज़ हो गया। इससे ये अहम बात भी साबित होती है कि कुर्बानी के जानवर में जितने भी अफराद शरीक हों उसमें इस बात का लिहाज रखा जाए कि किसी भी शरीक का हिस्सा सातवें हिस्से से कम न हो। यही वजह है कि जिस तरह सात से ज़्यादा अफराद की शिरकत जायज़ नहीं, इसी तरह ये बात भी समझने की है कि अगर अफराद सात या सात से कम हों लेकिन हिस्सों की तकसीम इस तरह की जाए कि शुरका में से बाद या सब का हिस्सा सातवें हिस्से से कम आ रहा हो तब भी शिरकत और कुर्बानी जायज़ नहीं। इस बात को मिसालों से समझने की कोशिश कीजिए। नंबर एक, किसी बड़े जानवर में आठ अफराद बराबर के शरीक हों तो जाहिर है कि हर एक का हिस्सा सातवें हिस्से से कम हो गया अगर उसको आठ पे डिवाइड करेंगे तो ये भी जायज़ नहीं। नंबर दो, किसी बड़े जानवर में आठ अफराद इस तरह शरीक हों कि छः अफराद का तो पूरा पूरा हिस्सा हो जबकि बाकी दो अफराद एक ही हिस्से में शरीक हो जाएं, तो ऐसी सूरत में चूंकि सातवें फर्द का हिस्सा सातवें हिस्से से कम हो गया इसलिए ये सूरत भी जायज़ नहीं। गोया के कुर्बानी के बड़े जानवर में आठ अफराद की शिरकत की कोई भी सूरत जायज़ नहीं है। नंबर तीन, किसी बड़े जानवर में सात से कम अफराद इस तरह शरीक हों कि बाज या सब का हिस्सा एक से ज़्यादा हो, यानी हर एक के पास एक एक मुकम्मल हिस्सा हो और बाकी हिस्सा कसर में हो, तो ये भी जायज़ है क्योंकि हर एक का हिस्सा सातवें हिस्से से कम नहीं है बल्कि ज़्यादा है, तो ज़्यादा चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए। जैसे एक जानवर में चार अफराद इस तरह शरीक हों कि दो अफराद का एक एक हिस्सा हो जबकि बाकी दो अफराद के ढाई ढाई हिस्से हों, तो ये भी जायज़ है क्योंकि किसी का भी हिस्सा सातवें हिस्से से कम नहीं है। चौथी मिसाल, किसी जानवर में सात अफराद इस तरह शरीक हों कि पांच अफराद का एक एक हिस्सा हो और एक का डेढ़ हिस्सा हो और एक का आधा हिस्सा हो, तो चूंकि इस सूरत में चूंकि एक का हिस्सा सिर्फ आधा है जो कि सातवें हिस्से से कम है इसलिए किसी की भी यानी सातों में से किसी की भी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। पांचवा मिसाल, एक जानवर में दो अफराद इस तरह शरीक हों कि दोनों के साढ़े तीन हिस्से हों, तो ये भी जायज़ है क्योंकि किसी का हिस्सा सातवें हिस्से से कम नहीं है। इस मसले को अच्छी तरह समझ लें शिरकत का है।